दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है अमोनिया ब्लू प्रिंट प्रिंटर। और ये है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये है कंपनी प्रगति सिस्टम का फ्यूचरा F1। तो ये मैंने नया खरीदा है, लेकिन इन्होंने मुझे भेजा क्या है ये देखिए, ये पूरा जंग पकड़ा हुआ माल भेजा है। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, एक्चुअली क्या है, ये कलर मैंने किया, बाकी कलर ये था, ये पूरा जंग पकड़ा हुआ था, तो बाद में मैं कलर कर दिया, क्योंकि इतना भारी सामान है, फिर इसको वापस भेजना लाना ले जाना एक झमेला होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने कलर किया इसको, और यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकती है, देखिए पूरा फफून गिर गया है, ये मैंने कलर किया है। अगर आप दूसरे साइड का देखेंगे, एक्चुअल में ऐसा अंदर में ऐसा है, पूरा जंग पकड़ा हुआ, बाहर से तो मैंने कलर कर दिया है। तो इन्होंने मुझे ये भेजा है, तो इन्होंने मुझे अलग से ट्यूब, अलग इसके अंदर फिटेड नहीं, अलग ट्यूब प्लस ये ट्यूबलाइट भेजे हैं उन लोग, ये यूवी लाइट वाला ट्यूबलाइट है। एक्चुअली क्या है, जब मैंने इसको फिट करके घुमाने की कोशिश किया, आगे पीछे वहां से बटन है एक ठो, ये जो बटन है आगे पीछे को, जब मैं घुमाने गया तो ये टूट गया पूरा। ये देखिए अंदर भी आप देखिए कितना अच्छी क्वालिटी का भेजे इन लोग। तो यहाँ पे जब मैं इसको घुमाने गया, एक्चुअली क्या, मैं उनको बहुत बार सर्विस के लिए बोला हूँ कि हाँ मुझे बता दीजिए कैसे करना है कैसे करना है ना, उन्होंने कोई वीडियो भेजा, उन्होंने बोला बहुत आसान है, कर हो जाएगा इजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाने के बाद जब मैं इसको घुमाने गया तो ये टूट गया, देखिए ये पूरा टूट गया। तो अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ ये ट्यूब कब आए, कब भेजे उन लोग, तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि उन लोग कुछ भेजेंगे भी मुझे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ये देखिए यहाँ पे 3D प्रिंट करके एक माउंट बनाया है, ताकि ये जो ट्यूब है हल्का जितना बचा हुआ है, इतने में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, तो इतना छोड़ के, बाकी इतना छोड़ के इतने में प्रिंट निकलेगा, मतलब हमारा प्रिंटर का इतना एरिया बेकार हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कुछ और चीजें मैंने प्रिंट करी है होल्ड करने के लिए, देखिए यहाँ पे ऐसा ये लगता है, और यहाँ पे ये अंदर में जाके कांच होल्ड करेगा। तो ये पूरा 3D प्रिंटेड पार्ट है जो मैंने बनाया है। तो सोचिए, मैंने ये जो प्रिंटर है 32,000 रुपए में खरीदा है, 32,000, और ये मेरे को भेजे, अभी मैं एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ बैठे बैठे, इसको रिपेयर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इतना 50-50 किलो का वजन का एक चीज है, और इन्होंने मुझे ये भेजा है। तो प्रगति सिस्टम का फ्यूचरा F1 ये जो मॉडल नंबर है, मेरे को बहुत दुख लगा है इसको खरीदने के बाद, मेरे को कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ है, और ये टूट गया। अभी तक मैंने इसको चलाने की उम्मीद तो मुझे कुछ है नहीं कि चल पाएगा करके, तो ये मुझे भेजे हैं। तो अभी क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, अभी क्या करूंगा या इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दूंगा, और यहाँ पे वो जो दूसरा माउंट है ये साइज का, ये जो अपना है, इसको यहाँ पे लगा के ऐसे टाइप का इसको फिट करके काम चलाओ अभियान चलाना है। तो यहाँ पे ऐसे फिक्स हो जाएगा ये चीज, यहाँ पे फिक्स होने के बाद हमारे प्रिंटर का ये हिस्सा काम नहीं करेगा, बाकी वो हिस्सा काम करेगा। लेकिन इन्होंने जो क्वालिटी भेजा है ना, क्या बताओ आपको, आप देख ही सकते हैं क्या क्वालिटी है। आई होप आप उनसे जब कोई भी सामान खरीदेंगे तो पहले चेक कर लेना कि उन लोग आपको जेन्युइन सामान दे रहे हैं कि सेकेंड हैंड सामान पकड़ा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा फेविकल डालना है, फिर ये डन हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा ट्यूब को घुसाना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टूटा हुआ सिरा है। तो ऐसे करके मुझे नए प्रिंटर पे ये सब करना पड़ रहा है। मेक श्योर आपको प्रगति सिस्टम अच्छा चीज दे रहा है, लेकिन मेरा फीडबैक अच्छा नहीं है। चलिए आप नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। ये देखिए टेस्ट का क्या हालत है, ये चालू हो गया है अभी, जैसे कि इसको यहाँ पे देखो, ये सिस्टम पूरा काम कर रहा है यहाँ पे, ये मेरा 3D प्रिंटेड काम आ गया। यहाँ पे मैं अगर इसको रिवर्स करता हूँ तभी ये काम कर रहा है, ठीक है। ये चलो ये तो बन गया, अब इसमें ये हमारा ये ट्यूब घुसाना है, ये हमारी ट्यूब फिट हो रही है इसके अंदर, ये 140 वाट का है। यहाँ पे हम लोग इसके अंदर ट्यूब को डाल दिए, अब यहाँ पे इसको फिक्स करना है। और देखिए यहाँ पे कोशिश किया है कि ट्यूब के बीच में गैप रहता है, कि ये ट्यूब को नुकसान ना पहुँचाए, यहाँ पर भी
तो ऐसे हमारा ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हुआ है। और बाकी यहाँ का काम तो है नहीं, इतना काम नहीं होगा, बाकी यहाँ से यहाँ तक का काम होगा। वो तो गनीमत है कि मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ और मेरे पास 3D प्रिंटर वगैरह है, मुझे 3D डिज़ाइनिंग आता है, तो मैं ये सब कर लिया हूँ। तो सोचिए जिनके पास ये सब नहीं है वो कितना फ्रस्ट्रेट होते होंगे। अभी मैं यहाँ पे पेपर डाल के चेक कर रहा हूँ। काम कर रहा है, सब ठीक ठाक से काम कर रहा है। यहाँ पे यूवी लाइट मैं देखूंगा नहीं इसको, तो अभी यहाँ पे सब काम ठीक ठाक से कर रहा है। मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ कि यहाँ से मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें एक्सटेंड किया हो, यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड नहीं थी, यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक ये लगा है 3D प्रिंटेड पार्ट लगा है और यहाँ पे इधर भी काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ इधर से इधर तक। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, सब अब ठीक ठाक से काम कर रहा है। बस 32,000 रुपये का चूना लगाने के बाद